मैं सुन कुमारी, आप देख रहे हैं निशन टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। झारखंड वासियों के प्रमुख त्यौहार कर्मा तथा मुस्लिम समुदाय के त्यौहार मुहर्रम में मद्देनजर प्रभारी विनोद शर्मा के अध्यक्षता व राजेश मिश्रा के संचालन में संपन्न हुई, जिसमें लॉकडाउन में किसी तरह की विधि व्यवस्था उत्पन्न न हो, इस पर अमल करने की सख्त हिदायत दी। यदि हुड़दंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तथा अधिक भीड़ भाड़ हुई तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस पर शांति समिति के सभी सदस्यों ने समर्थन दिया। बैठक में सचिव मिथिलेश कुमार, गौतम मंडल, जेके झा, मुखिया महादेव महतो, संजीत मिश्रा पत्रकार, दारा अंसारी, अयुब अंसारी, नासिर अंसारी, मुन्ना कुमार, संतोष दास, मुकेश शर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल थे। बेंगाबाद के मोती लेता निवासी कैलाश यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि को बुरी तरह घायल कर दिया गया। घटना मंगलवार की देर रात की है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि कैलाश यादव राजद के कार्यकर्ता थे और उनकी निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। इधर घटना के बाद पुलिस हत्यारोपी की खोज में जुटी है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात को कैलाश व मुखिया प्रतिनिधि बेंगाबाद थाना से वापस गांव लौट रहे थे। दोनों एक ही बाइक पर सवार थे, तभी रास्ते में हमला बोल दिया गया था।